जा रहे हैं। जनता जरूर उठ गई तो हाथ मनोगा झूठ बोला बार बार झूठ बोला और कोई काम नहीं। दीदी को मुख्यमंत्री है ना भाजपा का, एक काम बता दो दोनों का, एक एक काम कोई बता दे एक काम भाजपा के मुख्यमंत्री तीन बार पगड़ी बांध के गड़ियाना, नफरत की बात करना, समाज को बांटना, उल जुलूल बात करना, एक लाउड माउथ एक फाउल माउथ। हम लोग काम कर रहे थे रात रात भर छापा मारते थे अस्पताल में, मुंह के डॉक्टर आना के लिए ओपीडी तू बंद करा दिए, साफ सफाई होना चाहिए, दवा 300 मिलता था अपनी 600 हम कर दिए, सब काम करने थे भाई। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। NDA के सांसद जो है लगातार जीतते हैं। सुन लो बाबू, सुन लो, 17 साल से NDA का सरकार बिहार में है, मात्र 17 महीने अगर छोड़ दीजिए तो। 10 साल से प्रधानमंत्री NDA के, सांसद NDA का, राज्य सरकार NDA का, भारत सरकार NDA का, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है बेरोजगारी का, गरीबी का, महंगाई का, इस पर प्रधानमंत्री जी मोदी जी कुछ नहीं बोले। 14 में आए थे, उन्होंने कहा था कि सबको 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, अच्छे दिन लाएंगे, कोई वादा पूरा नहीं किया। 19 में आए, बोले कि किसान का आय को दुगुना कर देंगे, सारा कच्चा मकान को पक्का मकान बना देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे, बिहार में बंद चीनी मिलों को वो खुलवा देंगे, लेकिन एक काम नहीं। बोलते थे गरीबी खत्म कर देंगे, बोलते थे महंगाई खत्म कर देंगे, लेकिन एक काम आप बता दीजिए जो सिवान के लिए मोदी जी ने किया हो, कोई काम सिवान के लिए मोदी जी ने नहीं। और आप सब लोगों को ये बता रहा हूं कि जब हम लोग महागठबंधन की सरकार थी, 17 महीने 20 में हमने वादा किया था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, उप मुख्यमंत्री बने, सत्ता हमारी आ गई थी 20 में, लेकिन 5-6 सीट को बेईमानी से हरा दिया गया, सरकार नहीं बन पाई। लेकिन जब नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ जुड़े, 17 महीने रहे, तो हमने जो वादा किया था उस 17 महीने में हमने काम करके दिखाया। 17 महीने में 5 लाख सरकारी लोगों को हम लोग नौकरी देने का काम किया और 3 लाख प्रक्रियाधीन करवा करके आए, जो अभी बहाली निकलना है निकाल नहीं रहे लोग। सोचो 8 लाख नौकरी की व्यवस्था, 4.5 लाख नियोजित शिक्षक जो धरना देते थे समान काम समान वेतन का, उन नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। विकास वित्त, टोला सेवा, आंगनबाड़ी, तालमी वर्कर्स, इनके मानदेय को हम लोगों ने दुगुना करने का काम, IT पॉलिसी बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, टूरिज्म पॉलिसी बनाया, निवेशकों का बैठक कराए, देश भर के निवेशकों को बुलाए, 50,000 करोड़ का निवेश का
बिहार में एग्रीमेंट हम लोगों ने साइन करवाया ताकि बिहार में उद्योग लगे, कारखाने लगे, लोगों को रोजगार मिले, ये काम हम लोग कर रहे थे। लेकिन चाचा जी पलट गए थे, चाचा जी पलटे हैं तो हमारा पूरा सम्मान है, बुजुर्ग है, उनका सम्मान है, था करते रहेंगे। लेकिन अभी मुकेश सहनी जी भाषण दे रहे थे कि उनका विधायक बीजेपी वाला खरीद लिया, हम तो कह रहे मेरे चाचे के हाईजैक कर लिया, सीएमए के हाईजैक कर लिया। आज क्या स्थिति हो गई है, इसलिए आप सब लोगों से यही हम कहने आए कि अवध बिहारी चौधरी जी अनुभवी है, तजुर्बा है, इन्होंने मंत्री भी रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, हर चीज का इनको एक्सपीरियंस है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे लोगों को सिवान की जनता जो है सुन करके सांसद में भेजने का काम करेगी ताकि सिवान के लिए आवाज उठाने का काम करे। और बीजेपी का हवा टाइट है बिहार में, बीजेपी वाला इतना देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी टुकड़ टुकड़ बार बार हर क्षेत्र में जाकर के प्रचार कर रहे हैं, ये स्थिति हो गई। तो इसलिए उनके पास बोलने के लिए नहीं, हिंदू मुस्लिम इतना झूठ बोले 10 साल में कि गोबर के भी हलवा बना दिए, और झूठ बोलने के फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्होंने जिंदगी भर झूठ ही बोला है। लेकिन इस बार काट के हंडी बार बार नहीं चाटती है, 10 साल हो गया देख लिए, अब सरकार बदलेगा और बिहार से ही परिवर्तन कल है पूरे देश में इसकी शुरुआत होगी। यहाँ कोई व्यक्तिगत किसी से कोई मतभेद लड़ाई नहीं है, ये वैचारिक लड़ाई है और इस वैचारिक लड़ाई में सब लोगों को गोलबंद होने की जरूरत है। एक खेमा संविधान लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है और दूसरा संविधान और लोकतंत्र को बचाना चाहता है। भाजपा का हर एक नेता बार बार कह रहा है संविधान खत्म कर दे, संविधान खत्म कर। कोई वाइकल लाल हमारे बाबा साहब के अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान को खत्म नहीं कर सकता। हम सब लोग देश के लोकतंत्र भाईचारा को बचाने का काम करेंगे और हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग आने वाला 15 अगस्त को जिस दिन हमें आजादी मिली थी उस दिन बेरोजगारी से आजादी दिलाने का हम लोग प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। पूरा देश भर में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे, 1 करोड़। बीजेपी वाला क्या देगा, प्रधानमंत्री कुछ वहां के बता है कि कितना नौकरी देंगे, क्या बोलेंगे, सूत्र ले लेगा, सबका संपत्ति लेके बांट देगा, बताइए प्रधानमंत्री का भाषण। अरे बताओ किसानों का जो गुलास्तु देख रहे मोदी जी, कहने फसल कटनी हो रहा है सही दाम क्यों नहीं मिल रहा, काहे 1-2 फसल पे एमएसपी है उस पे भी नहीं मिल रहा, हम लोगों की सरकार आएगी तो 10 फसल का एमएसपी हम लोग तय कर देगा। महंगाई के प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे, पहले बोलते थे महंगाई की मार है, महंगाई डाइम है, अब इनकी भौजाई लगी, गैस सिलेंडर 1200-1400 रुपए पहुंचा दिए लोग, हम लोगों का सरकार बनाइए 500 रुपए सिलेंडर गैस का हम लोग करने का काम कर, 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग दिलवाने का काम करेंगे, 200 यूनिट। बिहार में सबसे देश में अगर सबसे महंगा बिजली है तो बिहार में, उसमें आप लोगों को मदद होगा। 5 जगह हवाई अड्डा बनेगा जिसमें गोपालगंज का भी सभ्य एयरपोर्ट हम लोग बनाने का काम कर, ये सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं। अग्निवीर योद्धा को खत्म किया जाएगा, पहले जैसे बहाली चलती थी वैसे ही बहाली हम लोग दिलवाने का काम करें। अग्निवीर योद्धा में क्या है, इसमें
कोई हमारा जवान शहीद हो जाए तो शहीद का दर्जा नहीं है, कैंटीन का व्यवस्था नहीं है, पेंशन नहीं है, और चार साल में आधा साल तो आपको ट्रेनिंग में लग जाएगा और बाहर कर देगा, 18 साल में ज्वाइन और 22 साल में रिटायर, पूछा नहीं आएगा कि रिटायर कर दे। इसलिए ये योजना को हम लोग जो है समाप्त करने का काम, आप सब लोगों से यही अपील है, एक हो जाइए, एक होकर के ये जो बड़का झूठा पार्टी है इसको सबक सिखाने का काम कीजिए। इसलिए पूरा बिहार में लहर है, इस बार हर एक सीट पर हम लोग जीतने जा रहे हैं और माहौल पूरा बन गया है, इसलिए एकजुट रहना है और कुछ गोदी मीडिया के चक्कर में नहीं रहना, ये सब मीडिया वाला सब कुछ है, उधरी से है, कब्जा है, कब्जा तो हम नहीं बोलते, हमारे चाचा बोलते थे कि मीडिया वाला लोग पे कब्जा हो चुका। तो भाई आजकल कैसे न्यूज आता है भड़काने का, रोजगार पे नौकरी पे चर्चा नहीं होती, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पे चर्चा होती, यही काम रह गया, किसान के बारे में आंदोलन के बारे में कोई न्यूज नहीं रहता। अभी बैंगलोर में कर्नाटका में यही मोदी जी के एमपी ने 2500 महिलाओं के साथ शोषण किया, कितना 2500 महिलाओं के साथ शोषण किया, तो भाग्य जर्मनी 26 को अपना वोट कराकर, ये मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कि बलात्कारी बचाओ बलात्कारी तो भगाओ, कहीं न्यूज में आ रहा है, कहीं चर्चा है, क्यों नहीं है, क्योंकि भाई भाजपा में ना है, तो भाजपा में चले जाने तो राजा हरिश्चंद्र हो जाइएगा, भाजपा से सवाल पूछोगे, हम अपने प्रधानमंत्री से क्यों सवाल पूछो, हमारा अधिकार जितना मेरा है उतना आप सबका है, हर नागरिक का है, हम पूछ रहे, वादा किया तो वादा निभाओ, हम तो गानों गा रहे हैं, तो जनता जो लूट गई तो हाथ मलो, झूठ बोला बार बार झूठ बोला, और कोई काम दूध मुख्यमंत्री है ना भाजपा का, एक काम बता दो दोनों का, एक एक काम कोई बता दे, एक काम भाजपा के मुख्यमंत्री तीन बार तगड़ी बांध के गलियाना, बात करना, समाज को बांटना, उल जुलूल बात करना, एक लाउड माउथ एक फाउल माउथ, हम लोग काम कर रहे थे रात रात भर छापा मारते थे अस्पताल में, डॉक्टर आना के लिए ओपीडी दो बार करा दी, साफ सफाई होना चाहिए, दवा 300 मिलता था अपनी 600 हम कर दिए, सब काम कर रहे थे भाई, आप बताओ थोड़ा जाकर देखो ताकि क्या हर बार, इसलिए हम लोग नौजवान है, नए सोच के नया बिहार बना रहा है, ताकत भाई आप ही लोग दीजिए, अब ताकत लेने हैं आप मालिक है, ताकत मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाथ बताइए मिलेगा आशीर्वाद मिलेगा ना, अरे एकदम चुपचाप। बिहार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट RCH ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बड़हरिया रोड त्रिभेड़िया सिवान, हमारे यहाँ BBA, BCA, ANM, GNM कोर्स कराया जाता है, फैसिलिटी टू अवेलेबल, स्टूडेंट लोन एफिलिएटेड टू आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, फुल्ली वाईफाई कैंपस, प्रोफिशिएंट फैकल्टी, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इन बिहार, गारंटेड प्लेसमेंट, कॉन्टेक्ट करें 06154 2457107909030556 22। पेट छाती मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, साथी हॉस्पिटल बड़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर चकिया रोड यदुवंशी नगर सिवान, शांति हॉस्पिटल में ICU, ECG,
मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। चकिया रोड सिवान, कॉल करें 8757309680916267361। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए नामांकन प्रारंभ। पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। ITI के साथ साथ ISC करें अच्छे मार्क के साथ। पास छात्रों को भारतीय सेना में मिलेंगे 40 बोनस मार्क्स व रेलवे में जॉब। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेस, स्पोकन क्लासेस, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, बैग, ड्रेस, आई कार्ड व स्पोर्ट्स बिल्कुल फ्री। एक बार पेमेंट करने पर 25% की छूट। सीमित सीट, जल्द नामांकन ले, कहीं यह मौका छूट न जाए। पलक बुद्धा ITI पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी, कॉल करें 8102091587995598288। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास गांधी मैदान सिवान। CBSE करिकुलम क्लास 1 से 10 तक की व्यवस्था। नए सत्र में नामांकन प्रारंभ। स्मार्ट क्लास, वेल मेंटेन हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न कंप्यूटर लैब, इंग्लिश स्पोकन की सुविधा। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां री एडमिशन चार्ज नहीं लिया जाता है। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सा कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास गांधी मैदान सिवान। प्रचार अशोक कुमार सिंह, मोबाइल नंबर 9934989245। डेफोडिल स्कूल एंड किड्स जोन प्री नर्सरी CBSE कैरिकुलम अनाउंस फ्री एडमिशन टिल मार्च 2024। एडमिशन ओपन। विशिंग एवरीवन हैप्पी सरस्वती पूजा एंड होली। ग्रीन एंड पीसफुल सराउंडिंग, 5 days a week कंप्यूटर क्लासेस, योगा एंड डांस क्लासेस, स्पेशल एम्फसिस ऑन मैथ, साइंस एंड इंग्लिश। व्हीकल अवेलेबल ऑन ऑल मिशन कंपाउंड, महादेवा, सिवान। मोबाइल नंबर 9631724798।